गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिंगन जोन, लैन कुरैन, लैन हुआन, लैन शिचन और मैडम लैन बातें कर रहे थे। और मैडम लैन की बातें सुन के ना चिंगन जोन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ उनका मतलब बेटा, छोटा बेटा, अल्फा बेटा बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब शाही टाइप का है। उसे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता था, वो ना बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर नहीं था। वो हमेशा से अपने फीलिंग्स को अपने पास दिल में दबा के रखने वालों में से था। इसीलिए ना चिंगन जोन को बहुत ही ज़्यादा ही डर लगता था उनके बेटे के लिए, अल्फा बेटे के लिए, कि उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, क्या वो ठीक से सर्वाइव कर पाएगा इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। वो बिल्कुल भी किसी को भी मतलब ऐसा होता था किसी को भी बख्शते नहीं थे। वो हमेशा से लोगों को बुली करना, लोगों के लिए हर्टफुल चीज़ें करना, वही सारी चीज़ें करते थे दुनिया के लोग। और वांग जी इस दुनिया से अलग रहने वाला, इस दुनिया से कोई काम ना रखने वाला वो इंसान था। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से भी वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और बोल रहा था, तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे सोने नहीं देता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, बेबी व्हाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मम्मा के साथ ऐसा करना गलत है, मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है और मम्मा के साथ तुम ऐसा करोगे। दोनों विंग बोलता है, तुम्हें पता है ये मुझे इतना ज़्यादा ही मतलब अनकंफर्टेबल फील करवाता है, मैं चाहकर भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। और ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से मतलब अच्छे में क्या कहते हैं वो होता है ना, लोगों के दिमाग में ये अपने ख्यालों को भर देता है। मेरे ख्यालों में जब भी मैं किसी से बात करते रहती हूँ तो कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। दोनों वांग जी बोलते हैं, ओ माय पुअर बेबी। दोनों वहाँ पे वांग जी विंग को अपने गोद में लेके बैठा रहता है। तो अचानक से विंग का फ़ोन रिंग करता है और विंग जब फ़ोन देखता है और बोलता है, मुझे बात नहीं करनी। तो लैंसन बोलते हैं, बात कर लो, वो तुम्हारी मॉम डैड है, वो तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं चुनेंगे, इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो विंग, क्या उन मगर तुम अगर तुम उनकी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। तो विंग बोलता है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओ मेरा मम्मी का बहुत दुखी है। तो बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, आई एम रियली 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 दुखी। तो बोलते हैं, हाँ समझ गया, यू आर रियली रियली दुखी। तो बोलते हैं, यस आई एम रियली रियली दुखी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के लिप पे किस करके बोलता है, तुम्हें पता है मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड कभी गलत नहीं थे, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं भी तो अपनी जगह सही था ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। कोई अगर मुझे तुम में से और मेरी ज़िंदगी में से किसी को चुनने के लिए बोलेगा ना, तो मैं तुम्हें चुनूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के हर एक पहलू में तुम हो, तुम मेरे लिए हो और मेरे पास हो, और मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। और ये बात जितनी सच है ये उतना भी सच है, तुम मेरे लिए पागल हो, तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, और ये सारी चीज़ें मैं कभी जाकर भी डिनाई नहीं कर सकता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, वी कैन स्टे अवे फॉर ईच अदर। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के फॉरहेड पे किस करता है और बोलते हैं, बात कर लो। तो ना विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, जब तक मैं बात नहीं करूँगा तब तक तुम शांत नहीं होगे, ओके आई विल टॉक टू हिम, गिव मी दैट फोन।
तो नवीन अपने मॉम डैड को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, मदर क्या हुआ? तो बोलते हैं, तुम कब आओगे? ऐसी हालत में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। वो भी भांजी तो ऑफिस में होता है, और तो वो मैडम लाइन की तबीयत खुद ख़राब होती है, वो तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगे। और जे शिचन, शिचन तो वो तो हॉस्पिटल में होता है। वहीं आ जाओ ना बच्चा। तो बोलते हैं, मदर मेरे ससुर है, मेरे अंकल ससुर है, और मेरी मदर है, भाई मतलब शिचन गर्ल है, और मेरा हस्बैंड है। मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा लोग हैं। अब चिंता क्यों करते हो? ये सारी चीज़ें चिंता करने की नहीं है। आप जानते हो ना कि मैं नहीं आऊँगा, मैं वांगजी के बगैर नहीं रह पाता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर भी आप जिद करते हो, क्यों मदर, वाई? दोनों वापस उसकी मदर मैडम यूँ बोलती है, मैं माँ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे परेशानी, मुझे टेंशन होता रहता है, मैं क्या करूँ? तू तो अब तू तेरा भी बच्चा आने वाला है, फिर मैं देखूँगा कि तू अपने बच्चे के लिए टेंशन में होता है या नहीं। दोनों वापस भी बोलते हैं, मैम मुझे पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आई नो दैट कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई नो आई एम योर ओनली चाइल्ड ऑफ ओमेगा, और आपके दो अल्फाज है, अल्फा चाइल्ड है, और मैं आपका एक ओमेगा, लौथा ओमेगा हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से और बहुत प्रेस से मुझे लाए हो, आई नो दैट, बट मॉम प्लीज़ ना, मैं वांग जी के बगैर नहीं रह पाता हूँ। दोनों वहाँ पे मैडम लान बोलते हैं, मैं वांग जी से बात करूँगा, मैं बोलूँगा कि वांग जी और तुम कुछ दिनों के लिए सही हमारे यहाँ पे आके रहो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, ठीक है मॉम, मैं कोशिश करूँगा, मैं काम वहाँ से कर सकूँ, ऐसा इंतज़ाम करके मैं आता हूँ। तो बोलते बेटा प्लीज़ गलत मत समझो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, नहीं मॉम मैं आपको गलत क्यों समझूँ, आप गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग, आई नो आप वांग बीन से कितना प्यार करते हो, और यह बात छुपी नहीं रही है, ये सारी दुनिया को पता है कि आप कितना बीन से प्यार करते हो। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, ये अपने ओमेगा को बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो हमेशा से मेरे साथ ऐसा करता है, क्यों करता है, क्या मैं उसकी मदर नहीं हूँ? तो उन्होंने वहाँ पे भी बोलता है, मदर आई नो यू लव मी, बट आई नो आई ऑल्सो नो अबाउट इट कि मैं वांग जी के बगैर नहीं रह पाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है। तो उन्होंने वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम क्या चाहते हो, मेरे पास रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होता है? तो बोलते हैं, हाँ तुम तो अपने दोनों बच्चों के साथ रहते हो, तुम्हारे एक ओमेगा सन है और एक अल्फा सन, दोनों ही तुम्हारे साथ रहते हैं, और मेरे ओमेगा सन को मैंने कितने महीनों से नहीं देखा है। तो बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से यहाँ पर रहो। तो बोलते हैं, यार तुझे पता है कि इस घर को संभालने के लिए फिर कौन आएगा? तो फिर ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, शिशन को यहाँ पे भेज दे, जंगजन के साथ शादी करके तो मैं वहाँ पे आके रह लूँगा, जल्द से जल्द कर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, इसमें मेरी हाथ नहीं, तेरा बच्चा और मेरा बच्चा ही नहीं करना चाहते, इसमें मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं, यार कुछ ना कुछ तो तिक्रम लगा, मैं क्या करूँ, मैं मेरे बेटे के बगैर नहीं रह पाता हूँ, और मेरा बेटा मेरे पास आना नहीं चाहता। दोनों वहाँ पे बींग बोलता है, मदर। तो बोलता है, मदर मत बुला, तू कितना ज़्यादा बुरा हो चुका है पता है, मैं कितना ज़्यादा तुझे देखने के लिए रोता हूँ, लेकिन तू तेरा दिल नहीं पिघलता, तेरी माँ के लिए तेरा दिल एकदम ही नहीं पिघलता क्या? दोनों वहाँ पे मैं विंग बोलते हैं, मदर मेलो ड्रामा करना बंद करो, आई रियली डोंट वॉन्ट टू लिसन टू दिस। दोनों वहाँ पे ना विंग ना
अपनी मदर को ये सब बोलता है। दोनों वहाँ पे मेरा मैन बोलती है कुछ दिनों के लिए आना, तो बोलता है मैं आने वाली हूँ। फिर वांग जी को बोलते हैं वांग जी सारी चीज़ें रखो, फिर मैं तुम्हें दोनों को लेके आऊँगी। दोनों वहाँ पे भी वांग जी बोलते अच्छा ठीक है मैम, अब आइए कुछ दिन रहिए, मैं कुछ दिनों में सारी चीज़ें सॉर्ट अप करता हूँ, कुछ दिन आपके घर से काम कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा इंतज़ाम करके फिर मैं आपके साथ और भी उनको लेके जाऊँगा। तो बोलते हैं हाँ बस मैं तैयारी करती हूँ। दोनों भी ना बोलते ओके बाय मॉम, ऐसा बोल के ना विंग फ़ोन कर देते हैं। और विंग फ़ोन करने के बाद वांग जी को गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं तुम चाहते हो कि मदर मुझे खिला खिला के मारते? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम बिना मैं हमारे यहाँ पे तो खाते नहीं हो, तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाते हो, एक मदर ही है जिससे तुम डरते हो। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं मैं मदर से डरता नहीं हूँ। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं दिखता है सब पता है मुझे। तो बोलते हैं तुम्हें खाओ क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं विंग क्या तुम अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हो? तो विंग बोलते हैं हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। दोनों विंग वांग जी और मैडम मैम नीचे आते हैं और वहाँ पे चिंगन जुन लैपटॉप पे कुछ कर रहे थे और वांग जी डिनर करने के लिए बैठ जाता है। और जहाँ पे वांग जी बैठता था तो वो वहाँ पे नहीं बैठता, वो किसी और जगह पे बैठता है। दोनों वहाँ पे चिंगन जुन वांग जी जहाँ पे बैठता था वहाँ जाके बैठता है और उसके साइड में लैन कुरन और लैन हुआन वहाँ पे बैठते हैं। फिर सब लोग मिल के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वांग जी खाना खाने के बाद ही अपने स्टडी रूम में चला जाता है काम करने के लिए। तो उन्हें विंग बोलता है प्लीज डोंट माइंड फादर, आपका आपका बेटा ऐसा ही है। तो उन्हें वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं मुझे पता है वो ऐसा ही है, तो तुम्हें सब के बारे तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा बेटा थोड़ा सा ज़िद्दी है और मैं उसकी ज़िद्द को ख़त्म कर दूँगा, डोंट वरी। तो बोलता है यस फादर आई नो यू डू इट योर बेस्ट। तो बोलता है यस आई डू इट माय बेस्ट, ऐसा बोल के चिंगन जुन लैन कुरान लैन हुआन सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के जाने के बाद भी मतलब वांग जी के पास जाता है, वांग जी के गोद में बैठ के अपना सर विंग के वांग जी के चेस्ट पर रखता है और विंग बोलता है वांग जी, तो वांग जी बोलता है ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है अभी। तो ना वांग जी लैपटॉप बंद करता है और बोलता है नहीं तुमसे कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो बोलता है तुम पता है मुझे ना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा है। तो बोलते हैं का मतलब हम कुछ वॉक करने चले? तो विंग बोलता है नहीं मैं चल नहीं सकता। तो वहाँ पे ना वांग जी अपनी गोद में लेके विंग को बोलता है मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा। तो वहाँ से लेके विंग को लेके वो गार्डन में आता है और चलने लगता है। तो विंग बोलता है वांग जी मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ ना? तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी खाली हो गई है, तुम हो तो मेरी पूरी ज़िंदगी रंगीन है विंग, मेरी ज़िंदगी के सारे रंग तुमसे हैं, वरना तुम एक ही रंग में था सफ़ेद, लेकिन तुमने उस रंग में सफ़ेद रंग में कलर ऐड किए हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू। और तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ मैं देने की कोशिश करूँगा। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है कल मदर आने वाली है और मदर आके मेरा ज़िंदगी मतलब वो हराम कर देगी। दोनों वहाँ पे विंग ना पाउट बनाता है
और वांग जी पॉट पे किस करके बोलते सूखिए। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय।